अजमत पहले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अजमत जरा तक आवाज ले। मतलब तक लाइव चल शॉट लिया वो बैठा पहले। चलते लाइव चलते हो मुईस पहले फोन मार के चले गए। कितने मार रहे पर बहुत मारता बोलो अंपायर ना है साढ़े ग्रैंड आप पलट दो अंपायर ना है वो अंपायर फोन करना आवाज दे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। नियामत आ चुका ना वो काका जो ना जो को ना साढ़े ग्रैंड में मतलब मेन वो ये ग्राउंड का फाइनल राउंड में भी मैं रोड चले दे काल का शानदार साथी नो तो है कर फोवा से मुझे चैनल ओपन कर यहां दे यहां दे एटा है और अल खलीफा वॉरियर जल्द से जल्द मैदान में उतरे। टाइम की बहुत कमी है मैदानी से जल्द से जल्द कोर्ट में उतरे लेकिन सभी फाइनल और फाइनल भी खेलना है। कादर भाई अपनी टीम को लेके जल्दी से जल्दी उतरे। कादर भाई अपने कलेक्शन को लेके जल्द से उतरे। अपना कलेक्शन अरे खलीफा हो गया अब तक अपनी टीम को लेके आवाज दे लो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। काम 15 सेकंड में इतलो आमजा आवाज नेट से लोरिंग आज तिकडे तिकडे होता आवाज या नेट तुम्ही येते जे मग इतलो आवाज कोरोना काय कोरोना कोरोना कोण बोलतो अरे एम्पायरला बोल मॅच स्टार्ट करतो रिव्ह्यू माइक नहीं दौर पहले दौर तेजर ना ते सलामुअलैकुम। मैं दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि अपनी टीम को लेकर मैदान में उतरे आफिया कलेक्शन और अल खलीफा। आफिया के कप्तान और अल खलीफा के कप्तान अपनी टीम को लेकर मैदान में उतरे। अल खलीफा इस वक्त मैदान में पहुंच चुके हैं। आफिया कलेक्शन के कप्तान हमारे पास वक्त नहीं है जल्द से जल्द करें। आइले दुजन को आइले दे अम्मा दुना दुजन आइले दे। हां छोड़ दोनों भाई बस अरे का ले के लो पूरा हो गया पूरा हां हां
तू लिंक काढला ती लिंक आले कोणी का काढला आपल्या ग्रुपात ती कॉपी कर तू शाहीन ग्रुपात काढला शाहीन ना मागाय तू कोणी ग्रुप काढला ते आफिया कलेक्शन आफिया कलेक्शन के कप्तान प्लीज जल्दी करें नंबर 9742 अरे वही यूट्यूब पर ओपन कर मुझे चैनल ओपन करना है आफिया के कप्तान एजाज वक्त नहीं है यहाँ पर बार बार आपको कॉल दे रहे हैं एजाज कप्तान मैदान में उतरते हुए अपनी टीम को लेकर जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें एम्पायर वक्त की काफी कमी है यहाँ पे वक्त को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हर मैच कोई वक्फा नहीं दिया जाएगा इस मैच के फौरन बाद अगला मैच होगा पार्कनेट और एमजी वॉरियर के बीच दोनों टीमें तैयार रहे किसी भी टीम के लिए कोई वक्फा नहीं है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमें यहाँ पर 11 बजे से पहले यहाँ पे खत्म करना है पूरे मैच 11 बजे से पहले पूरे मैच खत्म करना है कल हमारे लिए बहुत टाइम था लेकिन आज हमारे लिए कोई टाइम नहीं है यहाँ पर वक्त नहीं है 11 बजे से पहले पूरे मैचेस खत्म करने हैं इस मैच के फौरन बाद कोई टाइम नहीं है किसी भी टीम के लिए पार्कनेट और एमजी वॉरियर तैयार रहे इस वक्त हमारे एम्पायर भी पहुंच चुके हैं खलीफा अल खलीफा ने टॉस जीतकर कोर्ट चॉइस किया है क्या कैमरा सबर सबर एक मिनट कोणती कोणती आणि कोणती 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 इथे ही कोणती कोणती अल खलीफा नी कौन विफाक 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 जब्बल अली अल खलीफा नी कैमरा देना तुझे आता बरोबर बरोबर जरा चक्कर थोड़े इस वक्त एम्पायर दोनों टीमों को समझाते हुए कौन से हेजल ने क्यों मंडे तू सलीम बाप जरा सलीम बंटवाल से मैं गुजारिश करता हूँ तो यहाँ पर आए जनाब सलीम बंटवाल यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर एम्पायर बता रहे हैं कि अपने नाखून तराशना होगा हर खिलाड़ी को अपने नाखून तराश कर आना होगा यहाँ पे एम्पायर ऑफिशियल एम्पायर है और हम शाहीन टीम की तरफ से भी एम्पायरों का शुक्रिया अदा करते हैं लेकर यहाँ पर आए हैं एम्पायरिंग करने के लिए इस वक्त में सभी गैर जरूरी हजरात जो हैं वो मैदान से बाहर जाकर के मैच पहली बार अब्दुल राइडिंग करते हुए सात खिलाड़ियों के बीच हेलो करना एंड ऊपर दर काफी जोशीले अंदाज में और यहाँ पर इनके जोश को खत्म किया अच्छी कैचिंग वहां पर राइडर आउट इसके साथ अब्दुल बदी सात खिलाड़ियों के बीच कल इन्होंने काफी अच्छी राइडिंग की थी आज असर में भी काफी अच्छी राइडिंग की थी इन्होंने अब्दुल बदी दो नंबर की जर्सी पहने हुए 9, 8, 7
एजाज अपनी टीम के लिए अजमत पॉइंट की तलाश में। अजमत इतना पहले बल्ले एक टाइम आवाज भी बोले बोनस लेने में कामयाब एजाज। एक पॉइंट है आफिया कनेक्शन का और यहां पर अच्छी कैचिंग मुस्तफे पॉइंट लेने में नाकाम रहे और राइडर आउट बराबर एजाज। छह खिलाड़ियों के पिच राइडिंग करते हुए बराबर ना 15 सेकंड रोशनी में नहाया हुआ मैदान 10, 9, 8 एक पॉइंट लेने में कामयाब बोनस के रूप में एजाजल। इस वक्त पॉइंट है आफिया की टीम। अब्दुल कादिर राइडिंग करते हुए जोश के अंदाज में अपनी टीम के लिए पॉइंट लेने की जरूरत है। अब्दुल कादिर को 2 पॉइंट से पिछड़ रही है अल खलीफा। एजाज और यहां पर नाकाम कोशिश कैच करने के एजाज को कैचर आउट। एक पॉइंट लेने में कामयाब एजाज मुसलसल अपनी टीम के लिए पॉइंट लेते हुए एजाज। थर्ड राइट डू और डाई यहां पर चैलेंज करते हुए और इसके साथ एक पॉइंट लेने में कामयाब अब्दुल कादिर। थर्ड राइट थी अब्दुल कादिर ने एक पॉइंट लेने में कामयाब रहे। अच्छी कैचिंग बेहतरीन कैचिंग पॉइंट इस वक्त 3 पॉइंट है अल खलीफा के जबकि 4 पॉइंट है आफिया के। अब्दुल कादिर मुसलसल राइडिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कामयाबी मिली थी उन्हें पिछली राइड में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 साली हाथ वापिस साली काफी महंगे खिलाड़ी हैं ये और जोशले अंदाज में फ्रॉग जंप लगाकर कैचर को टच करने की कोशिश 9, 8, 7 खाली हाथ वापिस मुस्तफी। टेक्निकल पॉइंट फॉर आफिया कनेक्शन टेक्निकल पॉइंट फॉर आफिया कनेक्शन। और यहाँ पर अच्छी राइडिंग मुस्तफी की एक पॉइंट लेने में कामयाब। कांटे की टक्कर कांटे का मुकाबला जोशले अंदाज में राइडिंग करते हुए सात खिलाड़ियों के बीच मुस्तफी को चैलेंज करते हुए 9, 8, 7 मुस्तफी 4 खिलाड़ियों के बीच जोशले अंदाज में भारी भरकम खिलाड़ी मुस्तफी राइडिंग करते हुए और यहां पर और 2 पॉइंट लेने में कामयाब। एक खिलाड़ी को लो दी और एक को उन्होंने आउट किया। 2 पॉइंट लेने में कामयाब मुस्तफी। थर्ड राइट डू ऑल टाइम और यहां पर 1 पॉइंट लेने में 3 पॉइंट लेने में कामयाब। अब तो डू और डाई राइट थी कोई जरूरत नहीं थी वहां पर कैचर को गलती कर बैठे कैचर और इसी के साथ आफिया कनेक्शन को 3 पॉइंट मिले जिसके साथ आफिया कनेक्शन पहुंची 8 पर 6 पर है अल खलीफा। बहुत खिलाड़ी यहां पर इंजर्ड हुए हैं। 4 खिलाड़ियों के बीच जोशले अंदाज में मुस्तफी राइडिंग करते हुए तारी पहले चैलेंज कर रहे हैं। बहुत अच्छी राइडिंग
में कामयाब लाइव कर रहे हैं। अब तुमको उन्होंने आउट किया। हेलो करना हरीश अले हरीश ऋषि कटलेगा एक जबरदस्त मुकाबला सनसनीखेज मुकाबला दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर। इस वक्त पॉइंट है आफिया कनेक्शन के 10 दो अंकों पर पहुंची आफिया कनेक्शन 10 पॉइंट पर है जबकि अल खलीफा के पॉइंट है 6 और 10। मुसलसल राइडिंग करते हुए मुस्तफी जोश के अंदाज में भारी भरकम खिलाड़ी बगला वजह आरेश तो कैच करना मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रहा है किस तरह से राइडिंग करते हुए लेकिन यहाँ पर अच्छी कैचिंग है जाज की मुस्तफीज समझ नहीं सके यहाँ पर अपना संतुलन खो बैठा मुस्तफीज ने और इसके साथ आउट राइडर आउट एजाज इस वक्त राइडिंग करते हुए चार खिलाड़ियों के बीच चल कदमी कर रहे हैं 11 पॉइंट है और यहाँ पर अच्छी कैचिंग जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है यहाँ पर कैचर की एक बार तो उनके हाथों से छलांग लगाकर छूटने की कोशिश जरूर की थी वहां पर अच्छी राउंडिंग अब्दुल बद्दी द्वारा 7 और 11 अब्दुल बद्दी जोशी अंदाज में आफिया कनेक्शन के चार खिलाड़ियों के बीच राइडिंग करते हुए चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर अब्दुल बद्दी ये देखे की यहाँ पे देखे किस तरह से और यहाँ पर चैलेंज करते हुए 8 के कांटेदार मुकाबला सनसनीखेज मुकाबला अच्छी राउंडिंग बेहतरीन कैची वहां पर 13 और 12 अल खलीफा 13 है जबकि आफिया कनेक्शन के पॉइंट है 12। और एमजी वारियर तैयार रहे कोई वक्फा नहीं है किसी भी टीम के लिए यहाँ पर वक्त की काफी किल्लत है 11 बजे से पहले हमें पूरे मैचेस खत्म करने हैं यहाँ पे। अब्दुल बद्दी इस वक्त राइडिंग करते हुए 10 9 8 7 6 एजाज राइडिंग करते हुए जिस तरह से जोश के अंदाज में राइडिंग कर रहे हैं एजाज और यहाँ पर एक पॉइंट लेने में कामयाब रहे कोई जरूरत नहीं थी वहां पर कैचर आउट और फिर एक बार पॉइंट बराबरी पर 13-13 आफिया के पॉइंट है 13 जबकि अल खलीफा के पॉइंट है 13 मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर सब 13 है